बोला मैं मालिका, आप हमें इस कैफ़े में लेके आए हो, इसका नाम बताओगे प्लीज़? टैट कैफ़े, TAT। और आप यहाँ पे पहले आए हुए हो और यहाँ क्यों लाए हो आप मेरे को? क्योंकि बहुत सुंदर है और वहाँ पे बहुत सुंदर, मैं दिखाया था, सुंदर तो है वैसे। हाँ। ऐसी बात नहीं है, हम नीचे बैठे हैं, अच्छा है बाहर, नीचे बैठे हैं पूरे ज़मीन पर गद्दे वद्दे लगा के, बढ़िया व्यू है, सामने नदी वदी है और वहाँ दूर मालिका मुझे दिखा रही है, देखो ये है राम झूला, राइट? यस ठीक है। और यहाँ झूला नहीं, ये लक्ष्मण झूला है, ओके, उसके बाद वाला राम झूला है, ओके। और लक्ष्मण झूला अभी मैंने, आपने बताया था कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यस, और वो भी दिखाऊं वहाँ पे, वो देख लो वहाँ पे है, है ठीक है, मतलब एवरेज ही है, ऐसा कुछ खास तो नहीं है, मतलब खाना अच्छा नहीं हो, ठीक है, एस्थेटिक एस्थेटिक ठीक है अपनी जगह, खाना अच्छा नहीं हो तो समझ जाना। यहाँ से यहाँ खड़े करूँगा आपको, व्यू दिखाऊँगा धक्का नीचे पहले मैं पीता हूँ, मैं टेस्ट भी करूँगा क्योंकि आपने मंगवाई, अगर गंदा हुआ तो देखना, यहाँ से नीचे नीचे धक्का, योगी स्मूदी ऑर्डर्ड बाय मालिका। भाई 3 साल से लगातार पी रहा हूँ, घर में मम्मी वो देती है बनाना शेक, सेम इन्होंने बेकार बनाई है वाली, घर का बनाना शेक। और कितने रुपये दिया हमने इसको? 200 रुपये, 200 रुपये का बनाना शेक। नहीं ये अच्छा नहीं है वाला, मैं पहले डिनर लेके गई थी। बढ़िया बढ़िया, पी लो। चलो गुड गाइस, मैं और मालिका यहाँ पे रेस्टोरेंट स्काउटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने गूगल पे टाइप किया कि तपोवन में बेस्ट रेस्टोरेंट कौन से हैं, तो ये कौन सा है? बीटल्स। और अभी मैंने एक स्टोरी डाली थी तो काफ़ी लोगों का उसमें कमेंट आ रहा था, तो एक बंदे का अभी आया, अभी के अभी, कि भाई बीटल्स जाना, तो मैंने एक ही फोटो खींच के से भेजी, भाई बीटल्स में ही हूँ। और हम ज़्यादा कुछ नहीं मंगा रहे, मतलब हर रेस्टोरेंट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवा रहे ताकि हर रेस्टोरेंट का मज़ा ले सके, सबको बोल सके कि हम यहाँ पे भी गए हैं, जब हम बोलेंगे यहाँ पे भी गए सबको लेकर हमने बहुत कुछ खाया होगा, बट नहीं हम एक एक चीज़ ही मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली पास्ता, ठीक है, टेस्ट रिव्यू, पक्का गंदा इनकी गलती नहीं है, हम दिल्ली से आते तो हमने ना बेस्ट फूड ऑलरेडी खाया हुआ है, सो वी कैन नॉट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ फूड, राइट? तो बेकार है ना, इंशाल्लाह भी कह रहे ना, ओके ओके, क्या करें यहाँ पे, मतलब माहौल अच्छा है बट फूड। गाइस फाइनली हम जा रहे हैं मेन चीज करने, क्या करने जा रहे हैं मालिका? राफ्टिंग। फाइनली हमने हिम्मत गैदर करी, ठीक है, थोड़ी बहुत धूप हो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम जो ठंड होगी पानी की वो सहन कर लेंगे, कर लेंगे, पता नहीं, नो आइडिया, ठीक है, ये है देखते हैं भाई। गाइस इससे पता चलता है कि ये पहली बार आई है यहाँ पे, क्योंकि फोटो देख लो कैसे खींच रही है, जो बंदा 5 बार आया होता ना वो कभी ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों की फोटो ना खींचे। प्रूफ नंबर 1, इसका फर्स्ट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कराऊंगा, आपके आपकी आपकी एंटरटेनमेंट का जिम्मा मैं उठाता हूँ, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, ये इसे राफ्ट कहते थे, बोट नहीं कहते पहली बात, ठीक है, अब आपने बोट बोला, आपने बोट बोला था, मैंने राफ्ट ही बोला था, आपने वो बोला था, नाव बोला था, नाव नहीं, नाव बोला है मैंने, आपने कश्ती बोला था, ठीक है, तो बढ़िया है। पीछे फोटो खींचो, आप व्यू दिखा रहा हूँ, देख लो गाइस व्यू है, ये बढ़िया है, यहाँ पे और लोग भी हैं, गुड सीन। अभी आप लोगों के सेक्शन का फर्स्ट रैपिड है, रैपिड का नेम है द रिटर्न टू सेंटर, एक बार जोर से बोलो, गंगे मैया की जय, की जय, की जय, एक साथ अंदर हो जाओ, थोड़े से अंदर, राइट टीम फॉरवर्ड, स्लिप राइट, टीम फॉरवर्ड राइट, स्टॉप, ऑल टीम फॉरवर्ड, एक साथ सभी लोग, रैपिड का नेम है गोल्फ कोर्स बिग वन, ठीक है,
आप लोगों को क्या करना है, हल्ला नहीं करना है और सुनना है मेरी बात, ठीक है? जोर से बोलो गंगे मैया की जय, की जय, की जय। गुड, फॉरवर्ड एक साथ। चलाओ फास्ट 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 और फास्ट, तेज तेज, पूरा फास्ट चलाओ, ताकत के साथ चलाओ। गेट डाउन, गेट बैक, वापस गेट बैक, फॉरवर्ड फॉरवर्ड एक साथ, फॉरवर्ड एक साथ, एक साथ फास्ट। चलाओ यार फास्ट थोड़ा सा, गो पैडल लॉक, गो जंप, जाओ भाई यहाँ से करने से यार, आगे जाओ आगे। भाई मैं साथ खड़ी हूँ, दो मिनट बोलो गंगे मैया की आओ। ना ना जी भैया कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? आजा भैया, आगे भैया, आगे आ जाओ, आगे ले लो रस्सी आगे बड़ी ले वाली, ले लो आजा रे बड़ी वाली रस्सी ले ले, जाओ छोड़ दो इसे, छोड़ो छोड़ दू भाई, आजा इधर आजा, रस्सी ले ले आगे बड़ी वाली, ठीक है रस्सी ले बड़ी वाली यार, जाओ फिर सभी लोग जाओ यार, जाओ जाओ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम। मैंने अरे तू भी इसे किया है, मैंने मैंने भैया आप भी जरा को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अपना डरूं, प्यार। अरे बोट के नीचे नहीं आना यार, इंग्लिश नीचे जाना, इसके नीचे हमराज दिख जाएगा, ठीक है? तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना भैया? रास्ता कहाँ में दियो, इसे गले गुले में मतलब बैठ लेना, ठीक है? ठीक है हरियाणा वालों, जय श्री राम। हेलो, चलाओ एक साथ, भाई इतना ठंडा पानी था, हमारे का एक्सपीरियंस मस्त था, एक्सपीरियंस तो भाई इतना ठंडा पानी था, इतने सारे रैपिड्स थे, मजा आ गया। ये देखो और कोई नहीं हो रहा, ये देखो क्या, अब तो ज्यादा हो रहा है, ये तो नाटक है, नाटक नहीं है, असली में ये तो नाटक है भाई, नॉर्मल क्या कर रहे हैं, ठंड लग रही है हवा से। एक चाय पिला दे यार। और कैसे हो? बढ़िया हूँ, आप बताओ? ठीक ही हूँ, कुछ खास भी नहीं हूँ। क्यों खास क्यों नहीं हो, कुछ अच्छा हुआ आपके साथ आज पूरे दिन में? राफ्टिंग करी मैंने, मजा आया। अच्छा तो हुआ, मजा तो आया आपको? मजा आया, बहुत मजा आया। सही है, कहाँ पे अभी हम नाम भूल गए, तत्व कैफे, हम जितने भी कैफे जाते हैं उसे रेट करते हैं, तो यहाँ पे अभी खाना आया नहीं है, पहले ही मैंने नेगेटिव रेटिंग दे दी है, क्योंकि कभी भी शेक या कुछ भी अब बेवरेज होते हो कभी पहले ही लाने चाहिए, क्योंकि हम वो खत्म कर देंगे, लेकिन हमने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, और खाना आया भी नहीं, हमारा पेट सभी भर गया, बेवकूफ है ये लोग भी आपकी तरह, बिल्कुल मुँह पे बोल के दिखा दो, मान जाऊंगा, बोलो भैया बेवकूफ़ आप ये ले आए हो खाने लाए, अभी मैं आपको 1000 रुपये का
ऐसे पत्ता दूंगा फ्रेश पक्का। आप सेम शर्ट मुझे दो, मैं बोल के दिखाऊंगा। नहीं मैं बोलूंगा नहीं, पर मैंने जिस कॉन्फिडेंस से बोला ना, इसको लगा मैं बोल दूंगा दिमाग, मैं भी नहीं बोल सकता, मेरी फट जाएगी। यहाँ पे लाइटिंग ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा डिस्टेंस, कैन गेट सम पर्सनल स्पेस। पंप बहुत ही लगी है। सही हो, मेरे आउटफिट डिटेल्स दिखाना है, बिकॉज़ लगता है बहुत हैंडसम लग रहा हूँ आज। दिखाऊंगा अभी खाना खाने के बाद। मैं भी ठीक लग रही हूँ। I am also looking nice. मैं कभी हीरो बन सकता हूँ? मतलब दोनों हम प्रेम में, मैं चाहता हूँ मैं मेरी बड़ाई हो। अभी से बात चल रही थी तो मैं बोला मैं चाहता था सुप्रीम, मैं अपनी बात कर रहा था ना, आप अपने आप को घुसेड़ लाए बीच में। थोड़ी देर में मैं ऐसे बन सकता हूँ हीरो, जैसे रील अभी मैंने डाली ठीक है, सब आपकी तारीफ कर रहे, मेरी तारीफ कोई नहीं कर रहा, तो मुझे सिक्लूडेड से फील हो रहा है। तो आप चाहते हैं आपकी तारीफ हो? हाँ, तभी तो अपनी तारीफ खुद करता हूँ, पूछ रहे कल कि कोई और नहीं करता। क्या ये वेज थुक्पा? थुक्पा 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 वेज वेज थुक्पा खाओ। Eat it. Very hot. Thanks. Thukpa is very hot. बढ़िया ना भाई, मैंने मंगवाए, मैंने बेकार है, टेस्टलेस सा है। ये मैंने नहीं मंगवाया, ये दोनों ने कंबाइंड डिसीजन था दोनों का। भाई इतना झूठ बोल तो यार। Let me try. आप पे मेरे को भरोसा नहीं है ठीक है, आपको ऑथेंटिक टेस्ट का पता नहीं ना, मैं बताता हूँ। कुछ है ही नहीं इसमें, मिर्च मसाला। थुक्पा कहाँ की डिश है? तो बेहतर है ना, अब नमक डालना भूलिया हो, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। अरे सॉल्ट ब्रो, सॉल्ट ऊपर से यहाँ डालते हैं, इनमें कुकिंग में करते हैं सॉल्ट नहीं डालते, ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक में यही होता है। अरे पहली बार आया था ना रोड साइड ठेले में खाने वाले, पहली बार आए थे ना, इनको पता नहीं होता। ये देखो अब देखना, स्वाद चेक मारना, खाओ मिला दो, मिला दो। वो तेल में तली हुई थी ना, और वो वाला भी डालो, मसाला है कुछ अच्छा लगेगा। बढ़िया सही में, थोड़ा और डाल लो। ये क्या है, मसाला है तो? अब देख के चेक कर लो ना, सूंघने की जरूरत थी, देख के भी तो चेक हो सकता था। ये है क्या, दिख नहीं रहा, ब्राउन ब्राउन है। काली मिर्च, काली मिर्च है, काली मिर्च ब्राउन थोड़ी होती, काली होती है, ब्राउन वाली भी होती है। सारी गिरा दी, सारी गिरा दी, सारी गिरा दी भैया, इसने गिराई है। हटो हटो नीचे। गाइस थुक्पा को मैं रेट करूँगा 8/10, बट अपना पिज्ज़ा आ गया जो 10/10 दिखने में लग रहा है ठीक है, इसका भी टेस्ट रिव्यू आप ही करोगे ठीक है, डू इट। जेन्युइन करना ठीक है, फेक जबरदस्ती नहीं बोलना कुछ। हाँ जबरदस्ती क्यों बोलूँगी मैं, उसको देख के मुँह बना लगा ना मेरा, गरम यार ये। आउट ऑफ 10? 7। 7 मतलब एवरेज हुआ। मैं दूंगा, एक्चुअल रिव्यू मेरा मैटर करता है, इससे मैंने ऐसे पूछा। दो मेरे को दो। अरे मैंने सॉस डाल दिया, केचप। गरम है भाई, पहाड़ हो रहा है। मैंने अच्छा बनाया है उसको, बहुत सारी चीज़ें मिश्रण मिलाया मैंने उसके अंदर, सब जगह अच्छा बनाया मैंने। हम्म,
गाइस ये देखो हिमालिका ने बोला कि मैं उसकी फोटो खींचूं, देखो मैंने ऐसी फोटो खींची, ठीक है, फाड़ू फोटो, बढ़िया, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, ठीक है, फिर मैंने इसे बोला कि मेरी फोटो खींचियो, ये देखो, ये देखो, ये देखो ब्लर एक वो कदर मैं सोच रहा हूँ कि बाकी लोग उनसे बोल दूँ फोटो खींच, इससे नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा क्या है भाई ये देखो ब्लर, ये देखो ब्लर, ये अच्छी भी लिया है, ये रही, क्या भाई मजा नहीं आ रहा, टेढ़ी है, कलर ग्रेड करके अच्छा हो जाएगा, ये राम झूला है ना, लक्ष्मण झूला वहां पर है, से भी देखा था ना हमने, वीडियो में दिखाया था उससे, दिखाया था, काफी सही लग रहा है, पहली बार आ रहा हूं, मैं सुना तो इतना है इसके बारे में लेकिन फर्स्ट टाइम, और गाइस यहां पे ना बाइक वगैरह आना भी अलाउड है, तो यहां से जैसे बाइक जा रही है तो ये पुल थोड़ा सा हिल रहा है, बहुत सही लग रहा है, देखो यहां नीचे, नीचे गंगा नदी आपको अगर दिख रही है तो बहुत ज्यादा, बहुत लाइक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और हवा भी चल रही है मस्त वाली, ठंड लग रही है। बारी हो गया ऋषिकेश आए हुए, लेकिन यहाँ पे मैं कभी भी नहीं आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम है मेरा, अभी पूरा हम रिवर साइड बैठे हुए हैं, रिवर साइड है, कौन सा था, राम राम, फर्स्ट टाइम आया हूँ, रात के 10:40 हो रहे हैं, दिस इज आई कैन से दैट दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम ऑफ दिस ईयर फॉर मी, वेरी पीसफुल, बहुत शांति है, बहुत मज़ा आ रहा है, व्यूज सेम व्यूज आपको शेयर करना है, आपको सेम बोलना है कि बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर बोलना है, व्हाई बेस्ट टाइम, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए मैं हूं ना, अच्छा बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर विद मोहित, विद मोहित नहीं, टोटली बेस्ट बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, टोटली बेस्ट टाइम, यस ओके, और जो मैं अभी आपको बोल रहा था ना बोलने के लिए, वो मैं अपना काट दूंगा, ऐसा लगेगा आप ही बोल रहे हैं, मेरा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए ना कि मैंने बोला क्या बोल रहे थे आपने, क्या बोला था, वो चीज भी बोलनी है, हां हां हां, अभी मैं और हिमालय का डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया में कितनी ब्यूटीफुल जगह है, दिस इज़ वन ऑफ देम, ठीक है, कितना ज़्यादा हमें मतलब पीस, एट पीस है हम, और हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि डेली हाँ इंडिया को, हमारे यहाँ बर्फ भी होती है, गर्मी भी रहती है, बीचेस भी हैं, नदी भी है, गंगा जी भी है, और हमारे घर से कितना पास है, दिल्ली से 4-5 घंटे ना, बाकी लोगों के लिए नॉर्थ लोगों के लिए ऋषिकेश इज वेरी कन्वीनियंट, बट हम इसको ना इतना कंसिडर नहीं करते, मतलब कि बहुत क्रेजी जगह आ गए, बट वी शुड अप्रिशिएट जो है अच्छी चीज, वेरी पीसफुल, एडवेंचरस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने राफ्टिंग करी है, सब कुछ है, अच्छा लगा, बस हो गया कूल।